इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और सबसे पहले बात करेंगे अफवाह की। जी हाँ, इंडिया का कोरोना मीटर पिछले 4 दिन से लगातार 1 लाख से नीचे बना हुआ है, जो बता रहा है कि देश में किलर वायरस की रफ्तार कम हो रही है। लेकिन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार यानी वैक्सीन को लेकर अब भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गांव में अफवाह का भ्रम फैला हुआ है। सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, प्रशासन लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, लेकिन लोग टीका लगवाने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के गांवों की पड़ताल की और जाना कि वैक्सीन को लेकर आखिर डर क्यों है। सबसे पहले बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां जिला प्रशासन ने वैक्सीन नहीं लगवाने पर 2 गांवों के राशन पर रोक लगा दी। यानी वैक्सीन नहीं लगवाई तो सरकारी राशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग टीका लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। यहां भी वही डर है, वैक्सीन लगवाई तो मौत हो जाएगी। इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा हापुड़ के पुट गांव में गई, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। आप हैरान हो जाएंगे कि कैसी कैसी अफवाहें गांव में फैल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि वैक्सीनेशन के अभियान को बड़े स्तर पर चलाया जाए, और ऐसा किया भी जा रहा है ताकि हर कोई गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके, लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो पाए, ताकि कोरोना के संक्रमण का खतरा जो गांव तक भी पहुंच चुका है उससे गाँव के लोगों को बचाया जा सके। लेकिन कई गाँव अभी भी ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन से अछूते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे हैं। कई तरह की अफवाहें हैं जो लोगों के बीच में फैली हुई है, वही अफवाहें लोगों के मन में अब डर पैदा करके बैठ चुकी हैं, जिसके कारण लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ऐसी ही एक गांव की कहानी है उत्तर प्रदेश के, ये हापुड़ जिले में आता है, गढ़मुक्तेश्वर का गांव है ये पूठ गांव, गंगा के बिल्कुल नजदीक ये गांव है। 2 गांव ऐसे हैं, आसपास के ही गांव हैं, जहां पर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। प्रशासन के लोग जब यहां पर आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, हेल्थ विभाग के लोग आते हैं, तो यहां के लोग गांव खाली करके जंगलों की तरफ चले जाते हैं ताकि वैक्सीन ना लगवानी पड़े। और अब प्रशासन ने इस मामले में सख्ती दिखाई है, सख्ती दिखाते हुए गाँव के प्रधान को नोटिस भेजा है, और यहाँ के लोगों का जो सरकारी राशन सरकार की तरफ से मिलता है उस पर पाबंदी लगाने के लिए कहा गया है, और जब तक लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक लोगों को राशन नहीं मिलेगा। ये इसी पूठ गांव में हम इस वक्त पहुंचे और यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या वजह है, क्यों वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, और जो प्रशासन ने कदम उठाया है उस पर उनका क्या कहना है। मेरा नाम अली हसन है। अली जी, ये मुख पास पहन लीजिए। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी जी 60 साल करीब। 60 साल। कोरोना का टीका लगवाया? अभी नहीं लगा जी। क्यों? पर लगवाए ना गाँव में किसी ने भी। अरे पर क्यों नहीं ला? आपको तो वो पता है ना कि कोरोना फैला हुआ है और उससे बचने का तरीका सिर्फ टीका है। हाँ जी, अफवाह फैला रखी है लोगों ने कि कोरोना का टीका जो ज्यादा डोज दे रहे हैं और जी बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा, लोग मर जाते हैं। किसने कहा है, किसने अफवाह फैलाई है? पब्लिक है, सब आम पब्लिक। लेकिन अफवाहों को पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप जो प्रशासन कह रहा है, जो सरकार कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं, उस पर उसको मानना चाहिए। तो फिर राशन चाहिए या नहीं चाहिए? राशन कोई लेने ही नहीं जा रहा बेचारा, डर है। कोई गया ही ना आज लो लेने, जिस दिन से उन्होंने कही है ना टीके लगवाओ भैया, राशन ले जाओ। तो कोई लेने ही ना गा, डर है। तो राशन भी जरूरी नहीं है, टीका भी जरूरी नहीं, आप लोगों का ये मानना है? हाँ, ये सोच रखी है पब्लिक ने। देखिए, राशन बंद हो जाए, टीका नहीं लगवाना है। और भी जो लोग इस तरफ बैठे हैं, क्योंकि गांव के प्रधान को नोटिस जारी किया गया है, गांव के प्रधान भी इस वक्त यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या वजह है, क्यों यहाँ पर लोगों में इतना डर है। प्रधान जी इस वक्त यहाँ पर हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? कलवा नाम है जी। कलवा जी, आपकी उम्र क्या होगी? 62 साल। 62 साल है। आपने टीका लगवाया कोरोना? नहीं लगा। क्यों? यहाँ तो डर रहे हैं ना लोग। हाँ, लेकिन आप तो प्रधान हैं, आप तो गांव के, आप तो गांव के संचालक हैं। हाँ, आप बने हैं जी प्रधान। हाँ। अभी तक कुछ भी नहीं मिला, बस्ता भी नहीं मिला। हाँ। हाँ। टीकाकरण तो यहाँ पर हुआ था ना, आए थे टीका लगाने? एक दिन आई थी लेडीज। हाँ। नहीं लगा अभी। नहीं लगा तो क्यों नहीं लगवाया? कितने लोगों ने गाँव में लगवाया? यहाँ ना लगवाया, उन्होंने बेचारे खाली गए। किसी ने नहीं लगवाया? क्या करते हैं लोग, क्या भाग जाते हैं इधर? भाग जा, मैं कहाँ जाते हैं? खेतों के आर पर भाग जाओ। खेतों में भाग जाते हैं घरों से? घरों को छोड़ छोड़। हाँ, जो प्रशासन है उन्होंने ये कहा है कि अब राशन नहीं मिलेगा, आपको भी नोटिस भेजा है उन्होंने। तो क्या कहा है प्रशासन की तरफ? प्रशासन को मना कर दी, मत मिलो राशन में। किसने मना किया है? गांव वालों ने। गांव वाले कह रहे राशन नहीं चाहिए। हाँ, राशन नहीं चाहिए। राशन बंद भी हो जाएगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा।
बोला आज इन्होंने ऐसे। ये अफवाह कहाँ से फैल रही है, क्या आपको मोबाइल पर आ रहा है किसी को? डर रहे है, पब्लिक जैसे मर रही है, बीमारी से मर रही है, मगर टीकों से समझ रही है, बीमारी से मर रहा है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि कोरोना से मर रहा है, टीका से कोई नहीं मर रहा है। आपकी क्या उम्र है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार है। इसरार जी क्या उम्र है? मैं जो 32 साल की। 32 है। टीका लगवाया? नहीं लगवाया। क्यों? जब गाँव वाले डर दहशत है ज्यादा बीमारी की दहशत है। किसका किससे सुना है? नहीं सुना लूंगा, बुखार आ जाता है उसे लगवा के। तो बुखार तो कोई भी, आप बच्चों को पोलियो का किसी चीज का खसरे का टीका लगवाते हैं तो उसमें बुखार आता है, दो दिन बच्चे को आता है ना। वही दो दिन बुखार इसमें आता है। उसी मैटर से कुछ न लगवा पा रहे, नहीं डर रहे लोग। अरे तो बुखार तो साधारण चीज है ना, वो तो आता है चला जाता है। क्यों हमारे गाँव करीब बहुत लोग मर चुके हैं ना आलमगढ़ में बुखार। किसने बोला है बुखार से? नहीं टीके से बोला, कोरोना से हुआ है। हाँ हाँ कोरोना से तो मर चुके हैं उसमें। तो ये कोरोना से बचाता है टीका? हाँ तो उसी लोग से डरे हुए हैं, दहशत है लोगों में भी फिलहाल। ये फिलहाल पुट गाँव की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और भी आगे लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्यों डर है कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर, और जो प्रशासन ने सख्ती की है क्या उसके बाद अब लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए आगे आएंगे या फिर नहीं। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, पूट, गढ़ मुक्तेश्वर। पूछ गांव से आपने गौनिका अरोड़ा की रिपोर्ट देखी। गौनिका ने गांव के कुछ लोगों से बात की जिनका कहना है कि हमारे यहां जो गंगा किनारे वाले गांव हैं वहां कोई कोरोना है ही नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप शर्मा जी। शर्मा जी ये बात, आपकी उम्र क्या होगी? मेरे जी 28 है। 28 है। कोरोना का टीका लगवाया? जी अभी नहीं हुआ जी। हाँ क्यों? यहाँ आए थे डॉक्टर? आए थे जी, चेकअप कराता उन्होंने कि अभी तुम्हारी एज नहीं है, अभी 18 से कुछ ऊपर नहीं लग रहे, 45 लगभग 40 से ऊपर लग रहे हैं। अच्छा अगर लगवाएंगे तो लगा? हाँ जी लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे। टीका लगवाया कोरोना का? नहीं हमने लगवाया, हमारे कोई परेशानी नहीं है। अरे परेशानी कोरोना तो फैला है ना, वो तो कभी भी किसी को हो जाएगा। हमारे यहाँ पर नहीं है कोई भी। हमारे कोई परेशानी हो जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं हमारे यहाँ गंगा मैया के धाम आता, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने का। गंगा क्या? गंगा मैया जी की। एक तो गंगा मैया तो पूरे पूरे देश में बह रही है। हमारे यहाँ पर नहीं होने का कुछ भी, हमारे नहीं होने का। कोरोना कल को कोरोना हो जाएगा उसी से बचाने के लिए टीका है। ऑब्जेक्शन लगवा लेंगे, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? आप बनोगे जिम्मेदार? जो प्रसाद जो लगाने आ रहा है वो जिम्मेदार ही तो है। कोई नहीं बनता। आदमी चला रहा, जान से चला रहा, क्या हो जाता? मानेंगे हमारे यहाँ जो गंगा किनारे वाले गांव है इनमें कोई कोरोना का हिसाब नहीं। किसने कहा है कि गंगा किनारे कोरोना नहीं? कुछ नहीं, गंगा नहाते हैं, मौज लेते हैं यहाँ तो। सुबह गंगा नहा जाते हैं और खाना खा अपने खेती में निकल जाते हैं। नहीं लगवाएंगे? टीका नहीं लगवाएंगे। ये क्यों नहीं लगवाना, डर क्या है? डर ये है जब हमारा गाँव बिल्कुल सुरक्षित है तो लगवाने की जरूरत पड़ रही है। आपका क्या नाम है? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी क्या उम्र है? 32 साल है जी। टीका लगवाया? 32 साल का कौन सा लग रहा है जी टीका? 18 से ऊपर लग रहा है। 18 से ऊपर लग रहा है? हाँ। तो हमें तो लगवाने की इच्छा ही नहीं है जी। इच्छा ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे तो भाई खेती बाड़ी में करते हैं, वो तो अपना ही भग जाता। गांव में कोरोना फैल रहा है, गांव में पता है? आ ही नहीं सकता। क्यों यहाँ कोई वो लगा है क्या बाहर? यहाँ कोरोना लगा है जो कोरोना नहीं आ सकता? मैडम जी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कोरोना आ ही नहीं सकता। ये आपसे किसने कहा? मैं अभी शहर से आई हूँ, अगर मुझे होगा तो आपको हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? मुझे होने का ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं वैक्सीन रोज पी लेता हूँ। क्या पीते हैं? वैक्सीन। वैक्सीन लगती है, वैक्सीन पीनी नहीं है। वैक्सीन सुबह पी लेता हूँ। जो जिसने टीका लगवाया वही मैं देख रहा हूँ, न्यूज पे भी जब भी देखोगे वही खत्म। कुछ नहीं दिखाते हैं सर। क्यों नहीं दिखाते? न्यूज वाले हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं सर। टीका लगवाने से किसी को कुछ नहीं होता, टीका लगवाने से जान बचती है। जिसे टीका लगा है खासकर वही खत्म हुआ मैडम। ऐसा कुछ नहीं है, जिनको कोरोना हुआ है, गंभीर हुआ है, गंभीर ना हो इसीलिए टीका लगाना है। अब आप ये सोचिए कि कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वैक्सीन का टीका इंजेक्शन के जरिए लगता है, ना कि इसे पिया जाता है। हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर के पूट गांव से आपने गौनिका अरोड़ा की रिपोर्ट देखी। गौनिका गढ़ मुक्तेश्वर के शंकरटीला गांव में भी गई। यहां करीब 1100 लोग रहते हैं। यहां भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर गांव के लोग छिप जाते हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि भले ही राशन ना मिले लेकिन वो टीका नहीं लगवाएंगे। गढ़ मुक्तेश्वर के गंगा किनारे बसे पूट और शंकराटीला दो ऐसे गांव हैं जहां पर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं कोरोना की, और इसके चलते अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इन दो गांवों का राशन बंद कर दिया है। राशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और स्वास्थ्य विभाग के लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए टीम पहुंचती है तो लोग अपने घरों से गायब हो जाते हैं। पूट गाँव की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब हम शंकराटीला गाँव में आपको लेकर आए हैं। दोनों गाँव बिल्कुल आसपास ही है लेकिन स्थिति दोनों जगह जो है वो भी एक जैसी ही है। गाँव के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। काका क्या नाम है आपका? सुखाराम नाम है जी। हाँ जी सुखाराम। सुखाराम क्या उम्र होगी आपकी? होगी 50 साल। 50 साल। टीका लगवाया आपने? नहीं लगवाया। क्यों?
लगवाते नहीं है, हमारे कोई रोग नहीं कुछ नहीं। देखिए कोरोना तो हर जगह फैला है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ तो भर के बीमार ले गए, हमारे गाँव कुछ नहीं है। देखिए कोई बाहर जाता होगा, बाहर से आता होगा, जाते हैं ना? हम तो अपने गांव में रहते हैं, बाहर जाते कहीं भी। कोई तो बाहर जाता जाता है, अभी जैसे प्रधान है वो बाहर गए हैं। हाँ, प्रधान जाते हैं, दवा लेते हैं, दवा लगा लेते लगान दे, ऐसा नहीं। देखिए कोरोना तो कहीं भी आ सकता है, उसकी कोई वो नहीं है कि गांव में, गांव-गांव में फैला हुआ है। ना ना, हमारे यहाँ नहीं कुछ, कुछ नहीं हमारे यहाँ। टीका लगाएंगे ही नहीं? नहीं, टीका लगवाएंगे। कोरोना से बचेंगे, बचना है तो टीका ही इलाज है। जाएंगे हम, जाएंगे तुम्हारे कोई नहीं है। हम बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? बच जाएंगे, गंगा जी मेरे मालिक, हमारी गंगा जी मेरे मालिक। कोरोना से नहीं बचेंगे? अभी बच जाएंगे, बच जाएंगे। अभी प्रशासन ने ये कहा है कि आप टीका नहीं लगवाएंगे तो राशन नहीं मिलेगा, जो राशन 5 हमारे कोटे मर रहा है, मत दे गवर्नमेंट, ना देगी राशन, नहीं लेते हम गवर्नमेंट से। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो अभी राशन है, धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगा। हाँ, पर तो कोई बात नहीं, नहीं कुछ नहीं, भगवान देवा सब खा लेंगे, नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे। ठीक है। अच्छा, वजह क्या है, क्या कोई अफवाह सुनी है क्या? अफवाह क्या है, वो लोग कहते हैं कि जॉनसन लगवाया तो मर जाते हैं लोग। ये किसने कहा है? अजी बहुत बाहर से बहुत आ रही खबर है। तो सुनी सुनाई बातों पे थोड़ी ना जाते हैं। और क्या करें, बताओ कैसे करें? सुनी सुनाई तो अफवाह होती है। ना अफवाह ना होती है, कई आदमी मर गए हमारे यहाँ। नहीं होता है, कोई कोई नहीं मरता है कोरोना लगवाने से, बल्कि आप कोरोना से, टीका लगवाने से आप कोरोना से बचते हैं। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कोरोना तो है ही। आपका क्या नाम है? सुखपाल सिंह। सुखपाल जी, क्या उम्र है? उम्र मानो 60 के बीच की। 60 है। टीका लगवाया? नहीं। क्यों? हमारे जो कोरोना कोई दिक्कत ही नहीं, कोई साबूत ही नहीं आया हमारे। तो किसी को भी हो सकता है, अभी नहीं हुआ है, 1.5 साल में आगे हो सकता है। आगे चल के आगे भगवान मालिक। लेकिन उससे बचने के लिए आपको कोरोना ना हो, गंभीर ना हो, इसीलिए हमारी गंगा मैया है की साक्ष करती है। गंगा मैया कोरोना से नहीं बचाएगी ना, भगवान भी तभी रक्षा करेंगे जब आप अपनी रक्षा करेंगे ना। हम तो इसी के ऊपर है, गंगा मैया, गंगा मैया के ऊपर है। जब राशन नहीं मिलेगा तो राशन बंद कर दिया है? गंगा मैया देगी हमें, तो हम खेती आएगी। राशन कैसे देगी? ऐसे कमाने देगी, ऐसे देगी, बगैर कमाए कौन दे रहा? अच्छा, जो सरकारी राशन मिलता है उससे मदद तो मिलती है? अजी इससे कितनी मदद मिली है? एक बंदे को मिलता है, आपको 5 किलो राशन मिलता है ना? ना मिले, हमें कहाँ मिलने हैं, वही नाम पर कार्ड ही। हाँ, कार्ड भी नहीं है। हाँ। आपका क्या नाम है? 18 से ऊपर है उम्र? जी 18 ही। हाँ, 18 ही है। क्या नाम है? भूपिंदर। भूपिंदर, टीका लगवाया? जी नहीं। क्यों? कोई दिक्कत नहीं है शरीर में, इसलिए टिकट नहीं लगवाया। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। हाँ, आपकी बात जायज है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकती है अफवाह। अफवाह नहीं, कोरोना कहीं से भी आ सकता है। अभी कोई बाहर जाएगा, किसी को कोरोना हो जाएगा, पूरे गांव में फैल जाएगा, तो क्या करेंगे? आपकी बात जायज है। जायज है, लेकिन कोरोना टीका लगवाना भी तो जायज है, वो भी तो करना है। टीका की वैक्सीन लगवाई नहीं गई है किसी ने अभी तक गांव के अंदर। 23 करोड़ लोग पूरे देश में लगवा चुके हैं। 23 करोड़ लगवा चुके हैं। हाँ। दिल्ली में, और वैक्सीन भी कम पड़ चुकी है। लेकिन अभी वैक्सीन पूरी है। आपके यहाँ तो आए थे ना, लगाने के लिए आए थे ना? जी हाँ। तो क्या हुआ था? किसी बुजुर्ग ने नहीं, किसी आदमी ने लगवाया, तो हमने भी क्या लगवाया। क्योंकि बुजुर्ग आपको भी तो बचाना है, आपको भी तो बताना है बुजुर्गों को कि टीका लगवाना है। आप तो युवा हैं, युवा ही तो मार्गदर्शन करेंगे। जी। तो लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे, जैसे कि वैक्सीन वाले आएंगे जब भी लगवा। ये यहाँ पर लोगों का मानना है। आपका क्या नाम है काका? आप? मेरा नाम हरलाल जी है। हरलाल जी, क्या उम्र है? मेरी 32 साल की उम्र है। टीका लगवाया आपने? मम्मी ने लगवा। क्यों? जब 11 आदमी पूरे ना हो लगवा तो कहाँ से, मैं तो लगवा लूंगा। 11 आदमी पूरे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो आए थे ना स्वास्थ्य विभाग? नहीं आए है, लेकिन जब एक इंजेक्शन में 8 आदमी आ सकते होते हैं। हाँ। और जब 8 पूरे नहीं होंगे तो वैक्सीन कैसे टूटेगी? हाँ। अच्छा, आप गए थे वैसे लगवाने? हाँ, तो ये कहा उन्होंने कि जब 8 पूरे हो जाएंगे तो लगाएंगे। लग जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।